यूपी के कौशाम्बी जिले में 20 दिन पूर्व एक किशोरी से चार लोगों ने गैंगरेप कर उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। पीड़िता ने हरी मोहन यादव समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक इन्हें हिरासत में नहीं लिया है और यह सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता व उसके परिजनों पर सुलह करने के लिए दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे आक्रोशित हुए पीड़िता के परिजनों व ग्रामीणों ने डीएम और एसपी का घेराव कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। वहीं डीएम और एसपी ने जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। क्या मामला है आपका? क्या नाम है जिसने किया? जिनका जन्म है हरिमोहन यादव है, जैसा यादव है, इसके साथ गिरफ्तार किया है, इनका मुकदमा भी किया है, मेडिकल जांच हो गई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है। और क्या कहते हैं, इसको इंसाफ नहीं मिला तो क्या दो दिन के अंदर उनके यहाँ नहीं, उसके यहाँ उसके बाद लखनऊ जाएंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास में जाके पीड़िता क्या कहते हैं मट्टी का तेल डाल के अपने आप को आग लगा के अपनी जान दे दी जाए। इलाके में एक गैंग रेप का मुकदमा कायम हुआ है कुछ लोगों पे और इसमें आज पीड़िता एवं कुछ लोग हमारे पास आए थे। इसमें जो विधिक कार्रवाई है 164 के बयान की और मेडिकल जांच की वो पूरी हो गई है। अभियुक्तों की तलाश में आज दिन में पुलिस ने छापेमारी की है। हमें आशा है जल्दी ही अभियुक्तों की हम गिरफ्तारी कर लेंगे।